प्रदेश की जनता कह रही है कि डोटासरा जी ने आरपीसी के मेंबरों को किस तरीके से प्रभावित करके अपने परिवार के लोगों का सिलेक्शन कराया। डोटासरा जी की ऊपर तो आरोप राजस्थान की जनता लगा रही है, वो क्या राजेंद्र जी के ऊपर आरोप लगाएंगे? पूरी प्रदेश की जनता कह रही है कि डोटासरा जी ने आरपीसी के मेंबरों को किस तरीके से प्रभावित करके अपने परिवार के लोगों का सिलेक्शन कराया। ऐसे कैसे हो सकता है कि इंटरव्यू के अंदर सभी परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों को एक ही नंबर आए? क्या आरोप लगाएंगे डोटासरा जी? जिनके मकान शीशे के बने हुए थे दूसरे के मकानों के ऊपर पत्थर नहीं फेंकते। डोटासरा जी अपनी जमीन को संभालने की कोशिश से धृतराष्ट्र बनकर बैठे हुए हैं रंगावा, जिनको कोई दिखाई नहीं दे रहा। अजमेर आरपीएससी के करप्शन को लेकर अजमेर से जयपुर तक की यात्रा सचिन पायलट ने कर दी, फिर भी उनको दिखाई नहीं दे रहा। बीजेपी हमेशा कहती आई है कि राजस्थान के अंदर जितना भ्रष्टाचार है इतिहास के पन्नों में कभी किसी भी गवर्नमेंट ने इतना भ्रष्टाचार नहीं किया। अपनी सरकार को बचाने के लिए विधायकों को खुला छोड़ने का काम किया, विधायकों ने जैसा चाही वैसे ही कोहराम मचाने का काम किया। माइंस के मामले में, बजरी के मामले में, ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में, एसडीएम को जायज नाजायज काम बताने के अंदर, तहसीलदार को जायज नाजायज काम बताने के लिए जितना कोहराम कांग्रेस के विधायक को समर्थन करने वाले विधायकों ने मचाया उतना तो किसी ने नहीं मचाया। आप अपने विधायकों के ऊपर लगाम इसलिए नहीं लगा पाए क्योंकि हर विधायक आपको आग दिखा रहा था, मैं समर्थन दूं या नहीं दूं आपकी सरकार अस्थिर हो जाएगी। तो इस प्रदेश की प्राकृतिक संपदाओं को लूटने का काम कांग्रेस की नुमाइंदों ने, कांग्रेस के समर्थन का निर्णय किया। और आज एक नहीं अनेकों क्षेत्र ऐसे हैं जिन क्षेत्रों के अंदर अपराधियों के मन मस्तिष्क के अंदर सरकार का पुलिस का डर ही नहीं है। कल आपने देखी होगी एसीपी की गाड़ी के ऊपर बजरी माफिया उसकी गाड़ी के टक्कर मार रहे हैं, वो अपनी जान बचाने के लिए बेताब हो रहे हैं लेकिन खौफ नहीं है। और आज राजस्थान के जो हालात है वो जंगल राज से कम नहीं। प्रधानमंत्री जी आने किस तरह से चुनाव से पहले राजस्थान, देखिए देश के प्रधानमंत्री जी ने 9 साल प्रधानमंत्री के रूप में गरीब व्यक्ति के कल्याण के लिए सब कुछ उन्होंने किया। उनकी सरकार गरीब को समर्पित थी, उनकी सरकार अंतिम व्यक्ति को समर्पित थी, उनकी सरकार गरीबों के आंसू पहुंचने वाली थी। और उन्होंने प्रधानमंत्री आवास से लेकर किसान सम्मान निधि के खातों में पैसे डालने से लेकर जनधन के खाते में पैसे डालने से लेकर देश के 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने को लेकर ये सरकार लोकप्रिय भी है। और इस सरकार ने हर क्षेत्र के अंदर काम किया, सड़क के क्षेत्र में ले लो, रेलवे के क्षेत्र में ले लो, आप एयरपोर्ट को विकसित करने के क्षेत्र में ले लो, हर जगह मोदी सरकार ने काम किया।